गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी वैल्यूज इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ तो अब यहाँ जो हम देखेंगे, ये जो अलोंग द सीरीज़ है, यहाँ पे अलोंग द सीरीज़ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। तो जो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हैं, लाइक CO, CN, पीरिडीन, अमोनिया, EDTA, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये होता है कि जब इन केसेस में मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शंस होती हैं, तो मेटल और लिगेंड की जो इंटरेक्शंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शंस क्योंकि रिपल्सिव नेचर की होती हैं, तो यहाँ पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ऑफ मेटल आयंस, मेटल डी ऑर्बिटल इज हाई। वंस अगेन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड के नेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन टू सेट। टूवर्ड्स LHS, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है कि जो यहाँ लिगेंड प्रेजेंट है, लाइक आइडो, CL नेगेटिव, F नेगेटिव, ये जो लिगेंड हैं ये मेटल के ऊपर अपनी जो इनकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और इस फील्ड स्ट्रेंथ के कम होने के कारण ही यहाँ जो मेटल के ऑर्बिटल हैं उनमें स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ ही रिस्पॉन्सिबल होती है स्प्लिट करने के लिए मेटल के ऑर्बिटल्स को। तो स्प्लिटिंग इज लो इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि यहाँ हमारा जो डेल्टा नोट है वो क्या होता है, लो। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो मेटल लिगेंड की इंटरेक्शंस भी वीक होंगी। मेटल लिगेंड की इंटरेक्शंस कम होंगी तो लिगेंड मेटल को ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं दे पाएगा, इसीलिए स्प्लिटिंग इज लो फॉर वीक फील्ड लिगेंड एंड स्प्लिटिंग इज हाई फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके बाद यहाँ एक और कंक्लूजन आता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं उन केसेस में, ये तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ जो डेल्टा नोट है वो हाई होगा। इसके साथ साथ इस डेल्टा नोट के हाई होने की वजह से ये इतना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ क्योंकि पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट के कंपैरिजन में लो होती है, तो यहाँ इजी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसका इन्वर्स होता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ डेल्टा नोट इज़ वेरी लो, तो यहाँ जो है डेल्टा नोट इज़ लो, इट इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हाई होने की वजह से पेयर अप नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ हमारा बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन को स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग, नेचर ऑफ लिगेंड में सीएफएससी वैल्यूज क्या कैसे रिलेट हो रही हैं आपस में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो लिगेंड है वो दो तरीके के हैं, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड वो हैं जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ लो है, मेटल को उतनी एफिशिएंसी के साथ मेटल के ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं करवा पाते, डेल्टा नॉट इज लो। अगर इसका डायग्राम बनाएं फॉर वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, फॉर एग्जाम्पल ये डी जनरेट सेट है 5D ऑर्बिटल्स का,
इसको थोड़ा क्लियरली बताते हैं। यहाँ ये डी ऑर्बिटल्स का हमारा क्या है, डी जनरेट सेट हो गया। अगर इसके लिए एक साइड है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, तो वहाँ जो स्प्लिटिंग होती है, फॉर एग्जांपल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इस तरीके से हो गई। ये हमारा यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग इज लो, ई जी एंड टी टू जी, इट इज़ डन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ML6। और अगर यही ML6 यहाँ पे जो लिगेंड है वो हमारा स्ट्रोंग फील्ड है, तो ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है इट इज़ हाई T2G। तो CFSC वैल्यू इज हायर फॉर स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड एंड फॉर वीक फील्ड लिगेंड इट इज़ लो। यही है कि यही रीज़न है डेल्टा नोट हाई होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा हाई होती है, पेयरिंग एनर्जी से भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ इजी पेयरिंग होती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक और पॉइंट आता है नेचर ऑफ लिगेंड में, वो आता है जो लिगेंड मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि जिन लिगेंड्स में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, एग्जाम्पल CN-, इट कैन कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन थ्रू कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, NO2-, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड, थ्रू ऑक्सीजन नाइट्रीटो कंपाउंड। तो ऐसे लिगेंड जो जिनके पास मल्टीपल बॉन्डिंग सेंटर्स हैं, उन केसेस में भी वो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग को एनहांस करते हैं, स्प्लिटिंग इज हाई इन केस ऑफ लिगेंड्स जिनके अंदर मल्टीपल जो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं विद मेटल एटम्स। तो यहाँ नेचर ऑफ लिगेंड हमारा कंप्लीट होता है। अब इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस ढंग से आ सकता है कि वूज CFSC वैल्यू इज हायर, क्रोमियम Cl6-3- और क्रोमियम Am6-3+। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ क्लोरीन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद क्लोरो ग्रुप, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद अमोनिया, क्योंकि अमोनिया हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्रोमियम Am6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम Am6 का जो डेल्टा नोट है वो क्या होगा, हाई। ओके स्टूडेंट्स, और जनरलाइज हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे कर सकते हैं, इसको जनरलाइजेशन हम इस ढंग से दे सकते हैं कि जो हमारे हैलाइड डोनर्स होते हैं वो टुवर्ड्स दी लोअर एंड आते हैं, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, देन ऑक्सीजन डोनर जो ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करते हैं लाइक वाटर, देन नाइट्रोजन डोनर लाइक अमोनिया, एंड एट लास्ट कार्बन डोनर लाइक CnCO। नाइट्रोजन के लिए अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन के लिए वाटर हो गया, यहाँ हो गए फ्लोरो क्लोरो आइडो ग्रुप्स। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो लिगेंड हैं वो इस जनरलाइजेशन के थ्रू अरेंज किए गए हैं, जिसमें टुवर्ड्स दी LHS वीक फील्ड लिगेंड हैं, और कार्बन डोनर्स एंड नाइट्रोजन डोनर्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। So students, we have covered first point, that is nature of ligand, how it affects CFSC value. इसके जो other point हैं, other factors हैं which determine CFSC values, they will be covered in second part of this video. The link will be provided in the description box. Do check that video. Okay students, thank you.